हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल का लड्डू। आइए बनाना शुरू करते हैं। पैन में सबसे पहले 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। इसे गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम नारियल का बुरादा डालेंगे, जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। इसे डाल के हम भून लेंगे। ये 1 कप नारियल का बुरादा है, इसे डाल के हम भून लेंगे। हमें इसे ज्यादा नहीं भूनना, बस इसकी नमी दूर करनी है। गैस के फ्लेम को हमें लो और मीडियम रखना है, ताकि इसकी नमी दूर हो पाए। नारियल के बुरादे को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। इसे डाल के मिला ले। चलाते हुए हमें इस तरीके से इसे मिला लेनी है। हमने नारियल के बुरादे में मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें 1/2 कप किसी भी चीनी डालेंगे। मीठा आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर भी दिया है। इसे डाल के मिला ले। अब इसमें 1 कटोरी दूध डालेंगे। उसके बाद इसमें ग्रीन फूड कलर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो व्हाइट में भी बना सकते हैं, लेकिन कलर डालने से ये थोड़ा और देखने में अच्छा लगेगा। 3 से 4 ड्रॉप आप इसमें फूड कलर ऐड करें। इसे डाल के मिला ले। चलाते हुए हमें इस तरीके से इसे मिला लेनी है। हमने फूड कलर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ा इसे और चला लेते हैं। चलाते हुए हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ये लड्डू बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे प्लेट में अब हम डाल लेंगे। थोड़ा इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसका लड्डू बनाना हम शुरू करेंगे। मिक्सचर हमारी इतनी ठंडी होनी चाहिए, जिसको हम हाथ में इस तरीके से ले सके। अब हम इसकी लड्डू बनाएंगे। इस तरीके से आप गोल गोल लड्डू बना ले। आप चाहे तो लंबे में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो गोल में भी बना सकते हैं। आपको जिस तरीके का पसंद हो, आप उस तरीके का लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। ये मैंने लड्डू बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम नारियल के बुरादे में कोट कर देंगे। इस तरीके से हम नारियल के बुरादे में इसे कोट कर देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम दूसरा लड्डू भी बना लेते हैं। इसे भी हम नारियल के बुरादे में उसी तरीके से कोट कर देंगे। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना के रेडी कर लेती हूँ। ये हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिया है। 1 कप नारियल के बुरादे में करीबन 10 लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, आप ये मिठाई जरूर बनाएं। बाहर की मिठाई में बहुत सारी मिलावट होती है, इसलिए आप एक बार घर पर जरूर बना के ट्राई करें। ये बहुत ही कम समय में बन के तैयार होती है। आप
इस तरीके से मिठाई बनाए। ये देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में उतना ही टेस्टी है। बहुत ही कम सामान में ये बनके तैयार हो जाती है। आप एक बार जरूर बना के ट्राई करें और आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी मिठाई कैसी बनी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।